आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। फॉर्मूला वन रेसिंग के महान रेसर माइकल शूमाकर, टेनिस जगत की सनसनी मारिया शारापोवा के खिलाफ गुड़गांव में धोखाधड़ी का केस दर्ज। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर का आखिरकार गुड़गांव में धोखाधड़ी से क्या लेना देना है? तो आइए आपको बताते हैं। खबरों के मुताबिक गुरुग्राम स्थित अपार्टमेंट में खरीद के मामले में दिल्ली की रहने वाली एक महिला शैफाली अग्रवाल ने मशहूर पूर्व रूसी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा और पूर्व फॉर्मूला वन रेसर माइकल शूमाकर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया है। और अदालत के आदेश के बाद गुड़गांव पुलिस ने मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर के साथ 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज कर लिया है। अब जानिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि केस दर्ज करवाने वाली महिला शैफाली अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने शारापोवा के नाम वाले एक प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक कराया था। इस प्रोजेक्ट में एक टावर शूमाकर के नाम से भी है और ये परियोजना 2016 में पूरी होनी थी, लेकिन ये आज तक शुरू भी नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, उनका कहना ये भी है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए प्रचार भी कर रहे थे, इसलिए ये धोखेबाजी में शामिल है। अपनी शिकायत में कहा कि हमें विज्ञापनों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला और परियोजना की तस्वीरों और बहुत सारे झूठे वादे किए जाने के बाद कंपनी प्रबंधन से संपर्क किया गया। परियोजना के प्रमोटरों के रूप में शारापोवा और शूमाकर ने खरीदारों के साथ साजिश रची। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि पूर्व टेनिस स्टार ने साइट का दौरा किया था और एक टेनिस एकेडमी और स्पोर्ट्स स्टोर खोलने का वादा किया था। इससे पहले भी शैफाली गुरुग्राम की अदालत में रेलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शारापोवा तथा शूमाकर के खिलाफ 80 लाख रुपए की ठगी की शिकायत कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।